यहाँ होटल में आ गए हैं, बस चेक इन हो गया है, अब रूम दिखाती हूँ अंदर से। बट मम्मी ने इतने प्यार से आलू की सब्जी और मेरे को मेरा फेवरेट पराठा बनाया है, तो वो कैसे मिस कर सकते हैं, तो सदी को मैं वही खिला रही हूँ। ये देखो कितना बड़ा रूम है, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक वो एंट्रेंस है। अभी हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, अभी हम लोगों ने बोर्ड कर लिया है और आ चुके हैं आराम से। आँखों में नींद है बहुत ज़्यादा, पता नहीं नींद पूरी नहीं हुई, मैं तो पता है आराम से वो जो पूरा केबिन वाला, ये देखो मैं बोल रही हूँ मुझे नींद आ रही है, मुंह फाड़ रहे हैं जो दिल्ली से दुबई की थी वो भी ना एकदम जो विंग आ रहे थे उसके साइड, ये वाली भी एकदम विंग के साइड की है। सुबह के खाने के बाद अब ये दूसरी बार खाना आ चुका है, जा रहे हैं होटल डेस्क इमारत के जो काउंटर है एग्जिट से निकलने के बाद, पूरा इमिग्रेशन हो गया, एग्जिट ले लिया और उसके बाद जा रहे हैं होटल डेस्क, वही होटल डिटेल हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे और कार वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं शटल बस लेने के लिए जो हम लोग को होटल तक ड्रॉप करेगी, और बाहर का मौसम हम ही लोग पागल लग रहे हैं जैकेट पहने हुए, बाकी सब लोग टी शर्ट में घूम रहे हैं, 20 टेम्परेचर है अभी यहाँ का। और होटल पहुँच के आपको होटल दिखाती हूँ। ये है हम 2024, यहाँ अब होटल में आ गए हैं, बस चेक इन हो गया है, अब रूम दिखाती हूँ अंदर से, और अभी जा रहे हैं रूम तलाश रहे हैं थोड़ा, रूम कहाँ है, रूम 3132 अपना क्या है, 3-1 ये भी 3-1 3-3 3-4 3-5 कहाँ है, इधर है क्या, 3-6 3-5 दिस वन तभी उसने बोला था इधर से चले जाओ, 2035। अभी एकदम थक रहे थे बहुत बुरी तरह, इसलिए सबसे पहले हम लोग आए रूम में बैठे हैं और अपना खाना चालू कर दिया है, क्योंकि वैसे तो खाना मिलेगा हम लोगों को बट नीचे जाके हम लोगों का इसी में इंक्लूडेड है। आप पानी पियो।
बट मम्मी ने इतने प्यार से आलू की सब्जी और मेरे को मेरा फेवरेट पराठा बनाया है, तो वो कैसे मिस कर सकते हैं। तो सदी को मैं वही खिला रही हूँ और अभी हम लोग भी यही खा रहे हैं। और रूम का टूर मैं अच्छे से दूंगी, मतलब रूम कैसा है थोड़ा सा दिखा दूंगी आप लोग को, लेकिन पहले थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग को कमरा कैसा मिला है, यहाँ से दिखाती हूँ। ये पीछे से एंट्रेंस है और अब मैं सामने, क्योंकि कमरा पूरा सामान वामान हम लोगों ने रख दिया है, थकान इतनी हो रही है, लग रहा है कि थोड़ा आराम करो इसलिए। ये डोर से एंटर करने के बाद यहाँ पे वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा ही वॉशरूम है यहाँ। तो देखो बहुत बड़ा वॉशरूम है यहाँ पर, ये कवर्ड दिया हुआ है मस्त। वाह क्या लाइट जली ऊपर। ठीक है, ये छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है, इसके अंदर भी कुछ है क्या? इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। पानी के बोतल थी जो हमने यूज़ कर लिए। यहाँ अपनी जैकेट पटक दी है। ये एक डेस्क है और दो बेड मिले हुए हैं, ये इस पर स्वदी और मयंक रेस्ट कर रहे हैं। है ना, आराम थोड़ा फरमाया जा रहा है। और ये है यहाँ पर सोफ़ा, थोड़ा सा अच्छा बालकनी का बाहर भी अच्छा व्यू है, उधर की तरफ लाइटिंग वगैरह हो रखी है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा रूम है। ये देखो कितना बड़ा रूम है, यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक वो एंट्रेंस है। उधर बाथरूम था, इधर कबर्ड है और ये डेस्क एरिया है। और बाहर का भी देखो, यहीं से दिखा देती हूँ आपको, ये बाहर का एरिया है। रात में ज़्यादा दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी 9 बज रहा है। हम लोग आते आते खाना वाना खाया, थोड़ा एडजस्ट किए, कपड़े वपड़े चेंज किए, तो टाइम हो गया। स्वदी आराम से खाना खा के रेस्ट कर रही है। मुझे लगता है 4 से 5 घंटे के लिए आराम से, आराम करने के लिए इतना, ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं ये सब इनफ है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो दुबई के दर्शन भी कर लिए हम लोगों ने, जैसा मैंने हमेशा सोचा था। पिछली बार भी हम लोगों ने सोचा था लेकिन हम लोगों के पास टाइम नहीं था, 3 घंटे का ही सिर्फ हम लोगों का बीच में ले ओवर था। इस बार तो पूरा 9 घंटे का है। रात को कितने बजे ट्रेन है सुना हमारी? 3 बजे शायद। तो यहाँ से ओ एक तो ट्रेन बोल देती हूँ, हाँ तो फ्लाइट हम लोगों की है 3 कुछ समथिंग की, 3:30 या 3:35 3:30 की सुबह के, मतलब दुबई के टाइम के हिसाब से बता रही हूँ मैं। 3:30 बजे की है, अभी 9 बज रहा है तो अभी तो बहुत टाइम है। 1 से 1.5 बजे के बीच में हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकल सकते हैं। शटल बस चल रही है, वो 15 मिनट, और एयरपोर्ट के इतना पास है कि 5 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। तो यही प्रेफर करते हैं, अगर एमिरेट्स देता है होटल तो यही वाला होटल है। होटल का नाम मैं मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। अभी खाना वाना खाने के लिए नहीं गए नीचे, और खाना वाना भी नीचे पूरा डिनर 12 बजे तक मिलेगा ऐसा बोला गया है। तो और नीचे ना मतलब पूरा सिटी टूर देने के लिए भी पूरा है, ट्रिप वगैरह लगाने के लिए 2 घंटे का टूर रहता है, 4 जगह घुमाएंगे। अब उसमें क्या क्या 4 जगह ये नहीं पता। और अगर $35 रहेगा तो वो $35 के आपको पर पर्सन टिकट लेना रहेगा उसका, और अगर कैनेडियन डॉलर है आपके पास तो आपको $55 लेना रहेगा। पहले हम लोग सोच रहे थे बट स्वदी की हालत के चलते हम लोग ने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं, फिर कभी देखा जाएगा। तो अभी हम लोग रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। ये होटल के बाहर का नज़ारा है, कोई सामने पार्टी वार्टी चल रही है जो भी है, मस्त एकदम। खुला गार्डन है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। अभी हम लोग शटल में बैठ गए हैं और अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। बज रहा है अभी 1:30 और 3:30 की फ्लाइट है। अच्छे से नींद हो गई, पूरी मज़ा आ गया। अभी हम लोग आ गए दुबई एयरपोर्ट पे, दिख रहा होगा आप लोग को। सदी को लेके आ रहे हैं पीछे मयंक। सेल्फ चेक इन, सर्विस, बैगेज, लगेज। ये देखो ये है एयरपोर्ट, डिपार्चर यहाँ से हुआ है हम लोग का, इसीलिए इस गेट से एंट्री ली। अब आगे यहाँ पे काउंटर्स पे जाना रहेगा इमारत्स के, इधर है। ये देखो कितनी बड़ी लिफ्ट है, कमरे जितनी बड़ी, 4-4 लिफ्ट लगी हुई है ऑटोमेटिकली, इन आउट इन आउट इन आउट।
आ जाओ, हमारी वाली यहाँ अटकी हुई है, अटकी हुई तो छोड़ के आई। और यहाँ देखो एक बाहर का नजारा कुछ इस तरह है। अभी तो फिलहाल हम लोग को ना पहले वो वाली जो सीट मिली थी जो दिल्ली से दुबई की थी, वो भी ना एकदम जो विंग आ रहे थे उसके साइड की, ये वाली भी एकदम विंग के साइड की है, बाहर का उतना पता नहीं दिखेगा या नहीं। स्पिनच करी है, क्या है, आलू है और ये फ्रूट्स है, बन है, पता नहीं क्या है। ये क्या हमारा खाना, इडली है, थोड़ा सा उपमा है और ये कोई डेजर्ट है, ये फ्रूट्स हैं और बाकी ये नॉर्मल बिस्किट है, बिस्किट है ना, हाँ क्रैकर, ये मस्त होते हैं वाले। और ये है ब्रेड और पानी। सुबह के खाने के बाद अब ये दूसरी बार खाना आ चुका है, ये कुछ डेजर्ट है, केक है, ब्राउनी समथिंग, पता नहीं क्या है, ये जो भी है तो पिछले खानी था। ये सैलड है, चिकपी और ग्रीन सैलड, और ये तो कुकीज़ है, ये जो पहले भी दिए थे, इसमें बटर है और ये क्या, हाँ ये बटर है और ये भी बटर है, ये छोटी सी चॉकलेट होती है, चॉकलेट है। और अभी मिला है मटर पनीर और राइस, और ये बन है, और ये वाले देखो थोड़े से नट्स हैं एंड पानी। ये है लंच, स्वदी का ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। स्वदी को मिला था पास्ता क्योंकि उसने आधा सा खाया है, वो देखो पास्ता, ब्रेड, सैंडविच विद जैम, जूस एंड ये देखो कुछ इसका एक केक है। रात से सफ़र चालू किया, ये देखो अभी भी लगा के बैठी है फोन, अपना कार्टून देख रही है। रात से सफ़र हमने चालू किया और अभी दिन हो गया है यहाँ पर, और 15 मिनट बाद हम लोग लैंड कर लेंगे। हालत देखो ऐसी हो रही, आधा सोते हुए सफ़र निकला, कुछ खाते पीते टीवी देखते मतलब थोड़ा सा स्क्रीन देखते हुए अभी लैंड करने वाले हैं, फिर उसके बाद फाइनली पहुँच जाएंगे। लगभग हम लोग को 12-13 घंटे की फ़्लाइट थी लंबी, तो आधा टाइम तो सोने में निकल गया। Thank you.
अभी इस गेट से हम लोग आ गए हैं और ये कार आ गई है, कार में बस सामान लोड कर रहे हैं। चलो चलो पापा लोड कर देंगे, आ जाओ आ जाओ। ये देखो यहाँ पे लगेज हम लोग का आता जा रहा है सारा का सारा ऐसे लंबे लंबे में, और ये पूरा पीछे का एरिया पैक हो गया है। सर्दू आर यू इन कैनेडा? तो अभी हम लोगों ने कैब कर ली है, घर जा रहे हैं डायरेक्ट। ये काम करते करते एयरपोर्ट से निकलते निकलते पूरा 1 घंटा हो गया हम लोग को, और सच में स्वाति ने भी इतना परेशान किया क्योंकि उसको वॉक नहीं करना था, बहुत चलना पड़ता है पूरा एयरक्राफ्ट से निकलने के बाद। लगेज लिया और मैडम को जैसे तैसे मना मना के कभी गोद में कभी वॉक करा के लेकर आए हम लोग, और ये काम करते करते पूरा 1 घंटा हो गया। अब हम लोग घर निकल रहे हैं, सामान पीछे पूरा लोड हो चुका है।